ज्ञान की पीढ़िया में जितना मार पीढ़िया में आप कविता बसरी है ना आदान भड़फिया कभी मार नंबरदार राजेंद्र ने फेर उठे और भड़फिया सोने जिया कभी पीढ़ी दर पीढ़ी ये कविता का भाव रसा बसा हुआ है। ये हमारे सोनी जी बहुत श्री बाबा गणेश दास जी करते नमो अनंत श्रीमती राम मुख राम जी श्री महोर सिंह ब्रिजराज तिनके सुख श्रीपद्री सहित मम मस्तक के ताज के नीलम भुषा मरको मलांगम सीता समारोह प्रीत वाम भागम पाणो महासायकम चारु चापम नमामि रामम रघुवं चरणम या कुंडेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित कराया श्वेत पद्माशना या ब्रह्माचुत संग्रो पृथ्वी देवै सरा वंदिता सा मा पातु मां सरस्वती भगवती शेष लटा एक बार जयकार बोलिए बोलिए नारायण भगवान की। तो सभासद उपस्थित स्थान प्रधान ग्राम प्रधान देवता बस्ती के महानुभाव और ये तो कवियों की बस्ती है। एक बात मेरे ध्यान में आई अभी कह रहे थे कि झगड़ा तो नहीं होता है फिर झगड़ों के नाम क्यों है। भाई जो लोग झगड़े को पहचान नहीं सकते वही हंसते हैं केवल। झगड़ा तो होता है पर झगड़े को पहचानने की का अंतर है बस केवल। वो झगड़ा क्या है और कैसी बस्ती है वो इससे पहले एक बात कहूंगा मैं। देखिए सत्संग प्रारंभ होने जा रहा है हरि कीर्तन प्रभु का वंदन है। मैं ग्राम के बस्ती के जो लोग बैठे हैं सामने मौजूदा और कविराज से भी मैं आज्ञा चाहूंगा इस कीर्तन के बीच में इस सत्संग के बीच में मुझे अपनी बात कहने के लिए 2-10 मिनट दिए जाएं। एक दर्द है मेरे अंदर बड़ा वो दर्द मैं निकालूंगा आप वो कांटा तो निकालना पर कालूराम जी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हाँ जब कहेंगे ना तब आप तब मैं 10 मिनट चाहता हूँ ज्यादा नहीं अपनी बात कहने के लिए ताकि 10 साल के बाद 2 साल के बाद 5 साल के बाद आप ये नहीं कह सके कि शास्त्री जी आप आरोपित थे। आप ये कह रहे हैं पर मेरा फर्ज बनता है 10 मिनट के लिए कभी नहीं अभी नहीं कहूंगा। बोलिए सच्चे दरबार की लीजिए झगड़ा कौन सा है मेरे सामने वासे जी आर्य समाज के चंद्रलाल जी भाई साहब वर्षों पहले एक टेप गाई थी झगड़ों में झगड़ा की जड़ इसका तन्ने तड़का सर पर झगड़े की जड़ नहीं जड़े झगड़े की जड़ तो है झगड़ों में पर वो झगड़ा कौन सा है। लीजिए मैं अपनी बात यही शुरू करता हूँ सोशल मीडिया चिंता आठों या नाम है कवियों की
Oh,
देखो सामने की बात है, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, देखिए ये गाना बजाना जो है मेरा मूल कार्य नहीं है, मैं हिंदी कविताएं लिखता हूँ, वीर रस के कवि के रूप में भारत के कई कवियों में जाता हूँ, मेरा काम वो है। श्री हरिओम कुमार जी उनकी शैली में लिखता हूँ, पर ये भी मेरा में बचपन से गाता आया हूँ, तो पसंद क्यों मैं कभी झूठ का साथ नहीं देता हूँ। मुझसे कहते हैं कि आप पसंद क्यों करते हो बचपन से, बिल्कुल गुण व्यक्ति की पसंद नहीं होती है, कभी किसी व्यक्ति के शरीर उसके आकार उसके प्रकार से कभी कोई पसंद नहीं होती है, गुणों की तरफ आकर्षण होता है केवल। जो कविता केवल जबान से गाई जाती है वो कविता नहीं होती है, अंदर से बात आनी चाहिए, हृदय की पैर में स्वरों की मेल मिलनी चाहिए। बिल्कुल से कल कहाया Thank you.